नमस्कारम। आप देखकर हैरान होंगे कि आज सद्गुरु ने इतनी अजीब पोशाक क्यों पहनी है। ये कोई पोशाक नहीं है, हमारी हालत ऐसी हो सकती है। अगले 30 सालों में इंसानों की ऐसी हालत हो सकती है। प्लास्टिक इसका एक अच्छा उदाहरण है कि किस तरह हम अपने को मिले हर वरदान को अभिशाप में बदल सकते हैं। गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल से प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। कहा जा रहा है कि 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। मैं एक आसान से उपाय की बात कर रहा हूँ। ये पूरा समाधान तो नहीं है, बस सुधार का एक सरल तरीका है। सभी देशों में एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक पर रोक लगा देनी चाहिए। भारत को सबसे आगे आना चाहिए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। मैं चाहता हूँ कि उस दिन आप सभी अपने चेहरे पर ये प्लास्टिक कवर पहने, जैसा मैंने शुरू में पहना था, और जाने कि हम अगली पीढ़ी के साथ क्या कर रहे हैं। ऐसा ही होगा, हमारा दम घुटने लगेगा। एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए आवाज उठाएं। इस तरह के कवर और कई छोटी छोटी चीजें जैसे स्ट्रॉ, कॉफी कप कैप और ढेर सारी चीजें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां भी आप इसे देखें, इस्तेमाल करने से इनकार कर दें। इसे आप अपनी पॉलिसी बना लीजिए और सबसे अच्छा होगा कि इस पर कानून बने। To take this up, the policy in the nation to take it up, that single-use plastic must be banned. इससे हमारी सभी समस्याएं हल नहीं होंगी, मगर निश्चित रूप से ये एक जिम्मेदारी भरा कदम हम उठा सकते हैं। प्लास्टिक एक बढ़िया चीज है, मगर अभी गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल की वजह से ये हमारे लिए नुकसानदेह हो गया है। आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हों, सेल्फी लें अपने चेहरे पर इस कवर के साथ। हम ये जानें कि हम अपने साथ क्या कर रहे हैं। ये हमारी धरती है, इस धरती पर अभी समय हमारा है। हम सही चीज करें ताकि भावी पीढ़ियां हमें एक जिम्मेदार पीढ़ी के रूप में देखें। आइए इसे कर दिखाएं।